सीवरेज तक देखो, सीवरेज सीवरेज भी दिखा पूरा, सीवरेज देखो आके सीवरेज। हम लोग सुंदर नगर नाम दे रखे हैं, सुंदर नगर साल गंद पानी हम लोग पी रहे हैं इस टाइम में। जिसको बुलाते हैं कोई नहीं आते हैं, और बोलिए कोई एमसी कोई एमएलए आते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। आज गली बनाने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। एक गली छोड़िए दूसरी गली जाके देखिए, उसमें ये गंद पड़े हुए हैं। कोई तो हो आगे आके बताए। जब बोलने जाओ एमसी साहब कहते हैं हमारे अंदर नहीं है, इधर जाओ वो कहते हमारे अंदर नहीं है। तो ये मतलब किसके अंदर कोई सुनवाई नहीं करता, सुनवाई नहीं। बस इधर उधर चक्कर आते हैं बंदे, आते हैं देखते हैं नहीं भी निकल जाते हैं। आपके सामने ही मैम, आप तो खुद आके देखे, आप देख लो। कोई सुनवाई नहीं होती है, पता नहीं क्या बात है इनको, सुनाई में ऐसे कहते हैं हाँ भाई हम क्यों करें, दूसरे आके करेंगे, हम हमारी बात है नहीं ये। अच्छा ऐसे ऐसे बोलते हैं। रोड पट दिया, पानी में खड़े खड़े सीवरेज साफ करने वाला आता है, थोड़ा सा पानी जाने लगता है, हाँ जी हो गया जी चल जाता है। और उसके बाद सही हाल हो जाता फिर सब अगले दिन नहीं, ये नहीं कि दो तीन दिन के बाद, अगले दिन नहीं, पूरा इसी तरह से। कितने टाइम से आपको ये दिक्कत है, इसका सामना करना? बोले दो महीने से। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान सिंह। तो आज हम आ चुके हैं सुंदर नगर गली नंबर 3 में, जहाँ पर सड़कों का आप खुद देख सकते हैं कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। जी हाँ, यहाँ पर कोई बारिश वगैरह नहीं हुई है, लेकिन फिर भी गली गली में जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पानी भरा हुआ है, पानी का सैलाब आया हुआ है। ये सारा पानी सीवरेज का है, गटर का पानी है। आप खुद देख सकते हैं कि इस जगह पर चलना कितना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ सकती, घर पूरे एकदम भर गए हैं गटर के पानी से। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे कब से है। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी मेरा नाम अनीस है। सर यहाँ पर ये इतना पानी कैसे इकट्ठा हुआ है? सीवरेज का पानी है, भर जाता है नली। गटर का पानी है, गटर का पानी है सारा। अच्छा कब से, मतलब ये कितने टाइम से? ये बहुत दिन से, 500-400 में आया, एक बार कुछ मारा उड़ा पानी चला गया, फिर रास्ते वही हाल। मतलब यहाँ पर आते सफाई करते हैं, उसके बाद फिर से पानी लगता है? हाँ फिर पानी, साफ नहीं करते। किसी ने शिकायत नहीं की इसकी? वो तो बराबर आता है, घूम फिर के चला जाता है, काम कौन करता है? कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ? कल भी प्रधान भी आया था, बोला कल 12 बजे में आएगा, कल दिन में नहीं आया, अभी नहीं आया, देखो क्या हाल है, जाने का रास्ता नहीं है। आप बता रहे थे कि आपका घर है यहाँ पर? वो घर देख नहीं रहे, पानी तो सैलाब लगा हुआ है, पानी में पूरा गिरेगा ही। जाते कैसे हैं, घर कैसे जाते हैं? देख तो रहे बंदे कैसे आ रहा है, जा रहा है पानी से हेल करके, पानी हेल के कैसे आ जा रहा है। कोई यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, पाइप छोटा लगा हुआ है जिस करके सारा सीवरेज का पानी भर जाता है। पतला पाइप है। अच्छा और वही मोटा पाइप हो तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा आराम से चला जाएगा पूरा। आप लोगों ने शिकायत की है? कल ही मैंने बोला कि नहीं मोटा नहीं लगेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ के एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने बताया कि ये एक दुकान है, दुकान का मालिक ताला लगा के चला गया क्योंकि आने जाने की जगह नहीं है, पूरा रोड पानी से भरा हुआ है, लोगों ने खुद पत्थर रख रख के जगह बनाई है थोड़ी थोड़ी की आने जाने की, नहीं तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। अंकल ने दिखाया कि पूरा बाथरूम सारा तहस नहस हुआ है, पूरा रोड गंदा हुआ है। इन लोगों ने शिकायत भी किया पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है। क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम अनीता है। अच्छा आप बता सकते हो ये रोडों कितनी गंदी हालत है, पानी सीवरेज का भरा हुआ है, कितनी की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हाँ जी हम लोग का मोहल्ले में तो बहुत माने बहुत दिक्कत हो रही है, जाने आने का, दुकानदारी में जाने आने का भी सुविधा माने नहीं है चलने का। अच्छा और आप लोगों ने शिकायत की है? हाँ जी शिकायत तो 1000 बारों किया हूँ, 22 तारीख को भी शिकायत किया है, तो आके थोड़ा बहुत आके सफाई कर लेता है, गंदा पानी हट जाता है, फिर वही हालत हो जाती है। पूरा एकदम हल नहीं करते? नहीं कुछ, बस सफाई कर देते हैं फिर गंदगी हो जाती है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, वो पाइप नहीं बदल रहे कोई? नहीं बदल रहा है। जैसा कि आप रोड देख सकते हैं आपका घर यही है? हाँ जी यही है। तो फिर तो आपके घर के सामने कितनी गंदगी है, पानी खड़ा है, आपका छोटा बच्चा है, आपको भी पता है कि खड़े पानी में डेंगू वगैरह के मच्छर होते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। जब मैम किसी को कहते कोई सुनते नहीं है, समझे ना, बार बार कहने जाते, बार बार वोट लेने आते हैं, कोई सुनते नहीं है, बार बार क्या थक गए, मेरे बच्चे भी खेलने से तंग होते हैं यहाँ पे, इतना गंदा पानी महक रहे हैं, बीमार मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बीमार हो गए हैं। कितने दिन से पानी खड़ा है यहाँ? 1.5-2 महीने हो गए हैं। 1.5-2 महीने? हाँ जी ऐसे होते हैं, ऐसे ही हाल है, कभी नहीं देखते हैं कोई, ना देखने आते ना कोई सुनने आते, इधर बार बार कह के थक गए मैं इन लोग को, बार बार कहते हैं, बार बार सुन देख लेते, देख के चले जाते हैं लोग, नहीं सुनवाई करते कोई, यहाँ का कोई सुनवाई कहता मेरे को नहीं है, तो इधर का बाट ना उधर का बाट, कोई नहीं सुनते। अच्छा मैं किसको कहने जाऊँ, हम लोग तंग हो गए हैं, बच्चे लेकर क्या कहूँ।
वो आपकी दुकान है? हाँ जी। आपकी दुकान के सामने कितना गंदा पानी खड़ा हुआ है, कितनी दिक्कत होती है, ग्राहक आते हैं? नहीं आते ही नहीं है, कोई भी सुनता ही नहीं है, कि सबको कहते हैं गता होगा आज होगा कल होगा, कोई भी नहीं आते है साफ करने, कोई भी साफ करने नहीं आते हैं, क्या करते ना करते, उधर ही पीछे आगे ही गली साफ करके चले जाते हैं, इधर तो कोई भी नहीं आते हैं, कस्टमर भी नहीं आते हैं। बोला कि पाइप बदलो, हमें दिक्कत होती है, परेशानियां बताई? बोलते ही परेशानी बहुत बता, 2 महीने से पानी खड़ा है यहाँ, 2 महीने से। हाँ जी बहुत। फिर आप लोग खुद ही मतलब अपने घर के आसपास का पानी खुद ही साफ करते हो? खुद ही करना पड़ता है, कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी हम लगा दिए, कभी बगल वाले लगा दिए, कस्टमर को बहुत दिक्कत होता है जाने में दुकान। फिर तो दुकानदारी पे भी असर पड़ता है? बहुत असर है, कोई आते नहीं है दुकान, सभी कहते हैं कैसे आएंगे, पानी बहुत गंदा जमा खड़ा है, कैसे जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नर्क से भी बुरी हालत है रोड, बहुत बुरी हालत है पता है, पर एमसी को बोलते हैं, एमसी को ही बोलते हैं, इसके वजह से बच्चे भी बीमार होते हैं, स्कूल जाने में बच्चे को दिक्कत होता है, कई दिन तो भेजते भी नहीं है स्कूल। अच्छा बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, जाते नहीं, कभी एक दिन गए बच्चे गिर गए, कहते मम्मी जाएंगे ही नहीं, गंदा पानी है, ट्यूशन भी नहीं जाते बच्चे, पीछे निकलना चाहते ही नहीं है, इसके वजह से मेरा बच्चा बीमार है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो दिक्कत हम लोग को आ रहा है ना, हम लोग जाकर फिर सिविल में एडमिट कराना पड़ता है, घर और छोड़ के फिर वहाँ जाके बच्चे के पीछे लगना पड़ता है, बच्चा इतना बीमार है मेरे सारे घर में, टेस्ट करा तो इन्फेक्शन ही आता है, पानी इतना गंदा है, ये कौन सुनेंगे, जिसपे जिस कोई सुन ही नहीं रहे हैं, कितना फोन भी करते हैं कि आके मेरा गली में इतना 2 महीने से पानी खड़ा है, साफ कर दीजिए साफ कर दीजिए, कहते हैं आदमी भेज रहे हैं आज जाएंगे कल जाएंगे, ऐसे करते करते आज 2-3 महीने हो गए, आज 15 दिन हो गया है, ये गली का हालत देख लो पहला क्या बनी हुई है, क्या है क्या यहाँ MC बनाया, कौन है प्रधान है, कौन मंत्री है, ठीक है ना, मोहल्ले कोई वास नहीं करने का राजा है, आप बताइए 15 दिन से हमारे बच्चे ऐसे ऐसे घूमते हैं पानी में, डेंगू परेशान सब होंगे, नहीं मैं 15 दिन टाइम दे रहा हूँ, 2 महीने छोड़ो 15 दिन टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन में मेरा हालात होगा, बच्चे नहीं बीमार बनेंगे, कैसे घर में जाएंगे, कैसे मंदिर में कैसे मथा टेकेंगे, मंदिर है हनुमान जी का मंदिर देख लीजिए, कैसे मथा टेकेंगे आकर, सारा गटर का पानी बाहर आ रहे हैं, MC क्या कर रहे हैं यहाँ का कुछ बताया, MC क्या कर रहे हैं यहाँ का, हम लोग को सावधान दें या ना दें बोलो, हम लोग जनता क्या कर लें, कोई MC कोई MLA आते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, आज गली बनाने लिए कोई नहीं आ रहे हैं, एक गली छोड़िए दूसरी गली जाके देखिए उसमें ये गंद पड़े हुए हैं, कोई तो हो आगे आके बताए कि हमारे मोहल्ले में क्या सावधान चाहिए नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए गली नाली बढ़िया साफ सुथरा, तभी तो हम वोट दे सकता हूँ ना, वोट देने के बाद वोट लेके घर सो जाते हैं, पैसा कमाते घर रहते हैं, सारा यहाँ पर बोलेगा पूरा बोलेगा कि हमें साफ करता हूँ, साफ होता है कुछ नहीं है, इतना महीना दिन से जो है बंदा जो है ये मेला में भूल रहा है, खा रहा है पी रहा है, कैसे जाएगा आदमी है, कैसे जाएगा आदमी, माथा पटला धर के जाएगा, हम लोग को पीना पड़ रहा है इस टाइम में, गटर का पानी आ रहा है हमारा नीचे में, गटर का पानी हम लोग को पीना पड़ रहा है, कौन सा दुनिया है कि स्टडी है इंडिया में जो गटर का पानी पियेंगे, हम लोग सुंदर नगर नाम दे रखे हैं, सुंदर सारा गंद पानी हम लोग पी रहे हैं इस टाइम में, जिसको भी बुलाते हैं कौन नहीं आते हैं, और बोलिए आप लोग कृपा है दीजिए आगे सके बात, जो हमारा मोहल्ला गली का कोई सेवा हो जाए, जैसे डेंगू फैलते हैं पानी का जो रखते गर्मी में तो बोलते हैं मच्छर है, नहीं साफ करके रखे 500 रुपए जुर्माना लगाओ, अभी जुर्माना कितना लगाए हम लोग ने, हमारे बच्चे कितना बांध के रखे इन लोग को, अभी क्यों नहीं चलान काटने आ रहे, कोई नहीं आ रहे, अभी अभी कोई चेकिंग वाला भी नहीं आ रहा, कोई हॉस्पिटल वाला भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहे यहाँ पे, कोई ना देखते हैं मरे जाए जिए यहाँ पे कोई नहीं है, किसी को ना देख रहे हैं, देखते ही है गली में कितना कितना पानी है, इतना इतना पानी में बच्चा कितना, अभी कोई नहीं चेकिंग करने आ रहा, उस टाइम कहते हैं अगर जिसके घर में पानी खड़ा हो तो उसको 500 रुपया जुर्माना लगेगा। अच्छा लेकिन ये गली की हालत इतनी खराब है कोई नहीं आ रहा चेक करने? नहीं आ रहा है, पता तो सबको है पर कोई भी नहीं आ रहा है, अभी कहाँ गए, बस वोट के टाइम आते हैं, वोट के टाइम आते हैं, कहता है आप मुझे वोट दे दो आपका ऐसे वैसे जो भी है उनको कहना होता कह देते हैं, उसके बाद नहीं कोई देखने तक नहीं आते हैं, सबसे निलायकी है पता क्या, हम लोग निलायक नहीं है, स्वास्थ्य विभाग निलायकी है, न सरकार निलायकी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग सबसे कमजोर है, भगवान मन कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत बढ़िया बनाएंगे, ये बढ़िया बन रहा है सुंदरनगर में, जो सैंपल कभी लेता है नहीं लेता है, अभी सैंपल को ले आता कहीं पर पूछिए किसी स्वास्थ्य विभाग से, कोई DC नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ पे, तो
वोटर का लिए सब आते हैं कि हाँ ये बनाओ तो बनाओ, स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं है पूछने आते हैं यहाँ पर। तो कभी पूछे मीडिया से हाँ भी क्या खबर लेते हैं आप लोग, क्या देते हैं तो गवर्नमेंट देखिए अभी जो सेंटर देती है उससे भी खर्च नहीं होता कुछ भी। तो ये सप्लाई पीछे वाटर सप्लाई देखिए, वाटर सप्लाई मंत्री अपना जिम्पा जी हैं, जिम्पा जी भी ध्यान नहीं देते इस बात में, जिम्पा जी को निशान में ठोकता हूँ। तब जिम्पा जी आगे देखे सुंदरनगर जिम्पा जी नहीं आए, तो वो भी देखे ध्यान आके आज तक वो आए नहीं, कभी नहीं आए तो वोट लेने खाली आए तब, हाँ वोट टाइम आते हैं। तब जिम्पा जी मैं हाथ जोड़ विनती करता हूँ, एक मोहल्ले में आइए पूछिए जिनसे 1000 रुपीज का 100 रुपीज की जिससे बात किए थे कि दिए किसी लेडीज को अपने 1000 की बात करता हूँ, तब अपने जेब के खर्चा भी दीजिए किसी लेडीज को। यहाँ मैं लेडीज दे रहा हूँ, गवर्नमेंट थ्रू से आप नहीं जीते, पंजाब से आप नहीं जीते, होशियारपुर जिले से आप नहीं जीते हैं, होशियारपुर से वादा आपने किए थे, मैं वादा नहीं किया था ना भगवान ने वादा किया था, आपने वादा किया था। तब जिनानी को आप पैसा दीजिए 1000 रुपये, तो 1000 नहीं चाहिए हमें, विकास चाहिए। मैं जिम्पा साहब से ये नहीं कहता हूँ कि हमें पैसे ही दे दो, हमारा मोहल्ला गली का तो सावधान आगे देखो ना कि क्या प्रॉब्लम है जनता का, मेरा क्या स्थिति है, हमारा स्थिति का कि हम गांव मोहल्ले में जो बैठे हुए जो हमारा साथ दे रहे हैं आज उन्हीं के पीछे हम पीछे हट रहे हैं। जिम्पा साहब से इतनी बात है सर, एक बार आकर मोहल्ले आके देखो घूमो सुंदरनगर का। MC का भाई प्रदीप का मैं भाई बोल रहा हूँ, यदि वीडियो पर देख रहे हो कल का दिन न्यूज में मैं ये बोलूँ MC का भाई मैं बोल रहा हूँ, जब तक मेरा प्रदीप प्रधान था गली मोहल्ला में इतना कचरा बोलने का नाम ही नहीं था, आज हमारा कैसे हो रहा कहानी है। जिम्पा साहब आप कहाँ चले गए हैं, आज जिम्पा साहब बन गए MLA बन गए हैं क्या, मगर आज क्या करें हमारे मोहल्ले में सुंदरनगर का, कल फिर ऐलान उठेगा एक गरीब ने 10 गरीब निकलेंगे घर से, 10 ने 100 गरीब निकलेंगे, जनता जनता ही होता है। मगर जिम्पा साहब आप क्यों घर में सो रहे हैं, हम उसको भी बोल सकते हैं, मगर जनता को कम से कम देखो। सुंदरनगर का एक सिरा तो आप लोगों ने देख ही लिया, हाल तो आप लोगों ने देख ही लिया, गली की कितनी खस्ती है, सीवरेज का पानी इकट्ठा हुआ है। ये सुंदरनगर का दूसरा सिरा है, जरा इस पर भी नजर डालिए, बस नाम सुंदरनगर है, हालत नर्क से भी बदतर हुई पड़ी है। यहाँ पर लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, ये सारा पानी सीवरेज का गंदा पानी ठहरा हुआ है यहाँ पर, जिसकी कोई सफाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। इस गंदे पानी में मच्छर वगैरह पनपेंगे तो डेंगू वगैरह का खतरा कितना बढ़ सकता है, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सुनने में आया कि इस पानी करके छोटे बच्चे स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं। और आइए यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि क्या है उनकी राय इस बारे में। क्या नाम है आपका मैम? सरिता देवी। सरिता देवी आप बता सकते हो आप यहीं रहते हो? हाँ जी। आप बता सकते हो आपकी गली की हालत इतनी खराब है? हाँ हम बहुत खराब है, बहुत मोहक रहे हम लोग के घर में, बदबू कर रहा है घर में, ढुकने का मन नहीं करते हैं घर में कि जरूर बाहर निकले, बच्चे से भी बाहर नहीं खेलने के निकलते हैं, क्या करें बहुत मजबूर हम लोग है, बहुत मजबूर हम लोग है। हाँ कल भी बोल के आया हम लोग, कल भी आप गए थे बोलने, फिर क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि उधरे है ये घर वाला, उधरे है, उधरे बोल कर गया है 12 बजे आएगा। अच्छा मतलब कह रहे कि जिससे बात करिए वो है नहीं, 12 बजे आएंगे। हाँ, सफाई करने 12 बजे आएगा। अच्छा तो आते हैं चले जाते हैं। दिन कितने बार आपकी गली की सफाई होती है, कितने टाइम से सफाई नहीं हुई आपकी गली? सफाई है ना 2 महीना से ऊपर की, यहाँ पर कितने दिन हो गया, आते हैं सफाई करने के लिए देख कर बस चले जाते हैं, 2 महीने से ऊपर चले गया, जाते हैं और बस चले जाते हैं, देख कर बस चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे आपकी गली को लेकर? आप गली के लिए क्या कहना चाहते हैं? कोई हमारा सुंदरनगर में सुनवाई ना है, इस सुंदरनगर का कोई विकास ना है, ना यहाँ पे किसी का सुनता है, ना किसी का MC आता है, हमारा MC क्या चला जाता है सुंदरनगर का, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सुंदरनगर में। आप भला देख रहे हो सुंदरनगर का, पूरा सीवरेज तक देखो, सीवरेज भी दिखा उनको, पूरा सीवरेज देखो आके, सामने सैलून है हमारा, सामने है सैलून, और देखिए आप बोलने जाता हूँ। ये बताइए सुंदरनगर में इंसान रहते हैं, जब वोट लेने का टाइम आता है तो गली गली घूम के घर में हाथ जोड़ के कहते हैं भाई साहब वोट दे दो हमें, ये बताइए वोट किस तरीके से देंगे, यही हालात दे के वोट देंगे? सर आप क्या कह रहे थे, आपका सैलून है यहाँ पे? मैम सैलून हमारा सामने है, आप देख सकते हैं उसके आगे पानी है, ठीक है। फिर ग्राहक वगैरह कैसे आते हैं आपके सैलून में? ग्राहक सैलून का मैम काम रुका हुआ है हमारा, जब बोलने जाओ MC साहब कहते हैं हमारे अंदर नहीं है, इधर जाओ वो कहते हमारे अंदर नहीं है, तो ये मतलब किसके अंदर? कोई सुनवाई नहीं करता, सुनवाई नहीं, बस इधर उधर चक्कर मरवाते आते हैं बंदे, आते हैं देखते हैं है नहीं भी निकल जाते हैं, आपके सामने ही मैम, आप तो खुद आके देखे हो, आप देख लो आपके सामने ही है मैम, देखो। अब मैं कहता हूँ ये काम अगर MC नहीं किसका है, अगर मैं जाओ वो बोलते हमारे पास नहीं, वो कहते हमारे पास, हम कहाँ जाए पहले बताइए? सुनाई देता नहीं है, ऐसे गंद खाना बन रहा है,
कोई सुनाई नहीं होती है, पता नहीं क्या बात है इनको पर सुनाई में ऐसे कहते हैं। हाँ भाई है, हम क्यों करें, दूसरे आके करेंगे, हम हमारी बाढ़ है नहीं ये। अच्छा ऐसे ऐसे बोलते हैं, कहते है हमारे है 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, 14 नंबर है, ऐसे बोलते हैं। हमारी ये बाढ़ नहीं है, ईटे थी तो ईटे भी उखाड़ के ले गए, ये भी ले गए। उनको बोलते हैं जहाँ सिवरेज डालो, सिवरेज भी नहीं डालते हैं, ऐसे छोड़ दिया बीच में। हमारी तो दिक्कत गई, हमारे से ना आया जाता ना निकला जाता, बस ऐसे गंदगी रखी हुई है ना, ना कोई बनाता ना हमारी कोई सुनाई करता है। ये हमारा ये हमारे ही है सभी, हमारी कोई सुनाई नहीं करता है, नहीं बनता सुधार, हमारी तो कोई सुनाई नहीं करता। बोलते तो अकड़ के पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ भाई आपको बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे 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 बोलते हैं हमारे को। हाँ ऐसे बोलते हैं, घर द्वार गंदा रहता। मैं लड़की की शादी की है, मैं 5 दिन में मैं लगतारे दो रहे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं दिया, कोई नहीं बंदा साथ दिया। मैं ऐसे ही में मैं शादी की है नरक में, ऐसी जगह में शादी की। जब और क्या करेंगे, मैं 5 दिन मैं लगतारे मैं दो रहे हैं, बाकी कोई सुना नहीं, तो मैं क्या करेंगे अब, मेरा क्या उपाय किए। ऐसे ही हुआ, जैसे हुआ ऐसे ही किए, सबको सबको अच्छा लग रहा था, मेरा भी अच्छा लग गया। अब मेरा का देख तो गजन तो हो गया ना, तो हम क्या कर सकते हैं। शादी 15 तारीख को, इसी 15 को, हाँ 15 का किए शादी। मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा, कृष्णा आप क्या कहना चाहेंगे अपने सुंदर नगर के बारे में। कहना क्या सबको दिख ही रहा है यहाँ पे, कल मैं ये जो यहाँ बैठने वाला ये टूट गया था, मैं इसको अपने आने जाने के लिए कम से कम यहाँ। अच्छा, आपका घर है यो गली में मेरा, मेरे आने जैसे बच्चे कैसे आते जाते हैं। अच्छा। ठीक है, जो टाइल लगा था रोड पट दिया, रोड पर से टाइल्स उखाड़ कर लेकर चले गए, उखाड़ कर ले गया, कहता रोड बनेगा, कब बनेगा, जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन 1 महीना 2 महीना होने वाला है, पिछले दिसंबर से मतलब 2 महीना होने वाला है। इस बार रोड पट दिया, पानी में खड़े खड़े सीवरेज साफ करने वाला आता है, थोड़ा सा पानी जाने लगता है, हाँ जी हो गया जी चल जाता है, और उसके बाद फिर सब अगले दिन नहीं, ये नहीं कि 2-3 दिन के बाद, अगले दिन नहीं, पूरा इसी तरह से। कितने टाइम से आपको ये दिक्कत है, इसका सामना करना बोले? 2 महीने से। तो आने जाने दिक्कत था, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी खड़ा है, डेंगू मच्छर। मैं 15 दिन बीमार था, अभी मेरे घर में अभी सब बीमार पड़े हैं, सब बीमार अभी भी पड़े। ठीक है, मेरे गेस्ट आए थे कुल्लू मनाली से, वो यहाँ डेंगू में फंस के गए हैं, कहता अब दोबारा वो भी बीमार हो गए, कहता ऐसे मोहल्ले क्या कौन आता दोबारा, इस ये तो हाल है यहाँ पे, और यहाँ देखने देखने कोई नहीं आता है, एक बार कोई आ गया कर दिया, उसके बाद कोई नहीं। बोल के भी आया है, ऐसी बात नहीं, सबको बोल के करवा दो, यहाँ कहता है उधर मेरा वार्ड नहीं है, इधर उसका वार्ड है, तो उसका वार्ड है, इस तरह से होता है, घुमाते हैं। ठीक है, लोगों की बात तो आप लोगों ने बहुत सुन ली कि काम नहीं हो रहे, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं। अब आइए हम यहाँ के MC से बात करते कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सर आपका नाम क्या है? कॉमरेड गंगा प्रसाद है, XMC, और अभी मौके पर हमारे 15 नंबर वार्ड के MC हमारी मिसेज है चंद्रावती। और ये जहाँ तक विकास वाली बात जिस मतलब है, तो हम सरजमीन से जुड़े हुए हैं, और सरजमीन से जुड़े हुए मेहनत करते हुए तभी ही जैसे जनता ने वो दोबारे MC बनाए हैं। सर जैसे कि अभी हम सुंदरनगर गए थे वार्ड नंबर 15 और 13 में, तो वहाँ पर लोगों ने कहा है कि सड़कें नहीं बनी हुई है, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, पानी रुका हुआ है, सीवरेज का गंदा पानी रोड पर पूरा भरा हुआ है, लोगों के घर तक घुस रहा है सीवरेज का गंदा पानी, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हमारा जिस मतलब ये कहना है कि जो कह रहे हैं कि रोड टूटे हुए हैं, तो रोड टूटे हुए नहीं है, उस रोड को बनवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए उसको मिस्त्रियों ने खुदाई किया था। अच्छा। लेवल करने के लिए कितना टाइम हो गया सर? तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गया है। 15-20 दिन हो गया। काम कब से शुरू होगा सर? और काम शुरू जैसे मतलब है, बस पानी सूखने भर देरी है। अच्छा। अगर पानी नहीं सूखता, अगर नहीं रहता पानी, तो फिर वो कभी बन गया होता। अच्छा। ठीक है, जहाँ तक सीवरेज की सवाल है, सीवरेज आबादी है ज़्यादा और पाइप है छोटा, पाइप छोटा होने के कारण आबादी के मुताबिक पाइप नहीं डली गई है। पाइप चेंज नहीं हो सकता? पाइप इस तरह है, देखिए पाइप चेंज करने के लिए उसका को लंबी प्रोसेसेस है, तो उस प्रोसेसेस में हमने जैसे मतलब लगे हुए हैं। ठीक है ना, कि जो है वो मोटी पाइप जैसे मतलब
मोटी पाइपें डले ताकि सदा के लिए जो है ना परमानेंट जो समस्या है सुबह जाम होने का वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। जहाँ तक ये सवाल रही, अगर कोई पब्लिक अगर कहते हैं कि हमारे एमसी ध्यान नहीं दे रहा है, काम नहीं करवा रहा है, तो हमने आपको ये जैसे मतलब प्रूफ दिखाना चाहते हैं, सारे प्रूफ जितने जैसे मतलब वो हट गया, एक मिनट आप दोबारा दिखाएंगे। ये देखिए जितने भी ये फोटो है ना, ये सारे काम, हाँ, हमारी मैसेज एमसी चंद्रावती जी ने मौके पर खड़े होकर करके और खड़े होकर के काम करवाने का, ये जैसे अपने ड्यूटी निभाने का काम करते, जो एक एमसी का काम है वो, ये जिसने एमसीओ का काम है सीवरेज का साफ सफाई हो, वाटर सप्लाई समय पर जैसे मतलब मिलते रहे, और जो रोड है गली है वो सभी जैसे मतलब है वो लोगों को सही सलामत जो है ना उसको मिलना चाहिए, ताकि रोड गली वगैरह बना हुआ होवे। तो हमारी जैसे जो 15 नंबर वार्ड है, 15 नंबर वार्ड में किसी किस्म की हम कमी नहीं आने दे रहे हैं। जहाँ तक कि सीवरेज बार बार जो है ना जाम हो रहा है, तो हमारे जो नगर निगम का मुलाजम है, कर्मचारी हैं, वो सफाई मैन सीवर में, वो कह रहे कि सफाई करने वाले भी 2-2 महीना हो जाता है, वो आते नहीं, नहीं, है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये जैसे मतलब है एक दिन छोड़ करके अगर आज सफाई करके गया है, और इतनी बुरी तरह जाम होने के कारण जो है ना बहुत मेहनत करते हैं सीवर मैन बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं जैसे हो रहा है। अभी 3-4 दिन हुआ है वो छोटी जेडिंग मशीन लेकर के आया, उसे नहीं क्लियर हुआ। बड़ी जो जेडिंग मशीन है वो जेडिंग मशीन ला कर करके जैसे उसको सफाई करवाने का काम किया, पानी निकालने का जाम जो था उस खुलवाने का काम किया, और उस मौके पर मेरी मिसेज जो है ना एमसी चंद्रावती और हम भी जैसे खड़े होकर करके वहाँ फोटो भी है, काम भी करवाया। सो इस तरह हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। जो जनता है जिस तरह है जनता को वो कोई रब भी खुश नहीं कर सकता, तो हम कहाँ से खुश करेंगे। हम तो सवेरे शाम तक मेहनत में लगे ही रहते हैं। सो ये आपको जैसे फोटो जो दिखाया, आप ये देख लीजिए कि क्या जैसे मतलब ये सही है कि गलत बोल रहा हूँ। हमने मुकेश सरजमीन का जो है ना जुड़े हुए सारी बात बता रहा हूँ, इसको कोई नकार सकता है? तो फिर एक पास से जैसे वही कहेंगे जो हमारे विरोधी हैं, वही जैसे मतलब वो। सर लेकिन जो वहाँ पे पानी जमा हुआ है रोड पर, आपको ही पता है कि पानी में ठहराव आ जाता है तो उसमें मच्छर वगैरह पनपने लगते हैं, जिससे डेंगू का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो सर आप उसके लिए क्या कदम उठाएंगे कि वहाँ पे जो जनता रहती है, जो लोग रहते हैं, उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े? क्योंकि हमने लोगों से सुना कि वो पानी जो खड़ा है उसके करके बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे जब अगर रास्ते में अगर पानी हो तो बच्चे क्यों, सियाने भी कतराएंगे। लेकिन उसमें जो है ना परसों ही सफाई करवाया, कल फिर जाम हो गया, इसलिए करके वो कल छुट्टी था, कल 26 जनवरी को, परसों, ठीक है ना, आज ही जैसे मतलब है वो संडे है, कल शनिवार थे। उन्होंने कहा, जो सुपरवाइजर है उन्होंने कहा कि काम साहब ये हमने दोपहर भेज देंगे, जबकि हम सवेरे 9 बजे टेलीफोन किया। तो कहते हैं कि ये जिन्हें 50 वार्ड है और सबसे ज्यादा आपके ही वार्ड में इस तरह ज्यादा समस्या आ रही है, लेकर के कल उन्हीं बेले हो सके कर्मचारी। आप जिन्हें कल सोमवार है, कल लाजमी जैसे मतलब हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप भी आइए, देखिए कल किस तरह जैसे खड़े होकर के एमसी काम करवाती है, हाँ सफाई जैसे मतलब होगी। और जो ऐसा बोल रहा है उनको वो बोलने से पीछे नहीं हटेगा, उनकी आते हैं बोलने का। जो अगर कोई अगर हम लोगों की ओर से कोई लापरवाही हो, कोई कमी हो, फिर तो जिसने कोई कह सकता है कि हमारे एमसी काम नहीं जैसे मतलब जो है ना करवा रही है, सफाई नहीं करवा रही है, रोड नहीं बनवा रही है। सो हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। जो हमारे से अगर यदि कोई विरोधी भी हैं तो हमने उनको भी दिल जीतने का काम करेंगे, ये जैसे मतलब हमारा काम है। हम बदले की भावना ना कभी रखे ना रखेंगे, हाँ ये जैसे मतलब है। और बताइए, ये फोटो जरूर बाबू जैसे आपने, हाँ वो दिखाएंगे, क्योंकि लोग काफी कह रहे थे वहां पर कि रोड खराब पड़े हुए हैं, पानी जम जा रहा है रोड पर। आप जैसे मतलब ये बताइए ना कि वहाँ रोड खराब है, तो रोड खराब का तो कारण यही है ना, अगर पानी नहीं खड़ा होता, जिस तरह अगर पानी वो गली सूखा था, बहुत आवाजाही से दिक्कत है लोगों को। हमने पहले पहल के आधार पे उनको जिस मतलब बनाने का काम किया, ठीक है ना। लेकिन जब उसको अपने लेबल करने के लिए सारे वो कंप्लीट कर देता, जेबीसी मशीन जैसे आना था, लेकिन पानी जैसे सीवरेज जाम होने के कारण पानी भर गया वहाँ पर। अच्छा। तो पानी के बीच तो वो गली नहीं बनने लगा, इसलिए करके हमारा यही पहल है कि पानी जितनी जल्दी, हम तो कोशिश करेंगे कल ही सवेरे से शाम तक जैसे हम लगे रहना वहीं पर दोनों मियां बीबी, क्योंकि हम एक्स एमसी हैं, इस बात का जो है ना, हमें एक्स एमसी हूं और मेरे मैसेज मौके पर एमसी है। तो एक उदाहरण है
कि दोनों मियां बीबी जनता के बीच जो है ना वो सेवा कर रहे हैं, ये जिस मतलब है। हाँ जी, ओके जी। जैसा कि आप लोगों ने जनता की और एमसी दोनों की राय सुन ली, अब देखते हैं कल क्या होता है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।